अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम उसामा फ्रॉम एचटेक। सो भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम गेमिंग रिव्यू करेंगे इन्फिनिक्स नोट 10 का। और जहां तक बात की जाए इन्फिनिक्स नोट 10 की, ये आपको मिलता है 25 से 24,500 की प्राइस रेंज के अंदर। और अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो उसके अंदर आपको मिलती है 6GB की रैम, 128GB का बिल्ट इन स्टोरेज, 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज के अंदर। और 1080p के आपको रेजोल्यूशन मिलते हैं इसके अंदर। और यहाँ अभी जो गेमिंग है आप देख सकते हैं कि 75 इसकी बैटरी है और 244 पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो वाईफाई है मैं इस पे गेमिंग करूँगा। और आपको दिखाऊंगा कि आपको इसके अंदर लैग शैग मिलता है, कितना मिलता है, जायरो के अंदर आपको इसके अंदर क्या सिचुएशन मिलती है। अगर तो आप इसे ख़रीदना चाहते हैं गेमिंग के लिए, तब ये रिव्यू जो है आप पे काफ़ी काम आने वाला है। सो मैंने आपको ये तो दिखा दिया कि रैम के अंदर कुछ ओपन नहीं है, सिर्फ मैं पबजी को प्ले करूँगा। पबजी को मैंने ओपन किया और देखते हैं कितना टाइम लेती है। और जहाँ तक बात की जाए इस मोबाइल के अंदर पबजी की, तो मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। उसकी रीज़न ये कि इसके अंदर आपको प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, रैम भी अच्छी मिल रही है। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको इससे अच्छी कहीं गेमिंग मिल नहीं सकती। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्राइस के अंदर आपको ये मिल रहा है उसके अंदर इसकी गेमिंग बहुत अच्छी है। और अगर इसके पबजी लोडिंग टाइम की बात की जाए तो राउंड अबाउट कोई 28 से 32 सेकंड का इसका पबजी लोडिंग टाइम है, जो कि आई थिंक सो जस्टिफाई करता है अगर इसके प्राइस सेगमेंट को देखा जाए तो। सो भाई पबजी हमारी लोड हो चुकी है और मैं आपको सबसे पहले ग्राफिक्स की सेटिंग्स दिखाऊंगा। आपको स्मूथ के साथ लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा की ऑप्शन मिलती है। बैलेंस के साथ भी आपको हाई की ऑप्शन मिलती है, अल्ट्रा की ऑप्शन मिलती है, और HD के साथ आपको हाई की ऑप्शन मिलती है। और उसके अलावा आपको यही मैक्सिमम इसके अंदर मिलती हैं इसके ग्राफिक्स ऑप्शन। और अगर जायरो की बात की जाए तो वो भी आपको मिलता है, लेकिन जायरो के अंदर आपको डिले है, वो देखते हैं हम कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता। और सबसे पहले मैं आपको एक 3DM खेल कर दिखाऊँगा और थोड़ा रश गेम प्ले करेंगे। और उसके अलावा अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इस तरह के गेमिंग रिव्यू या कंपैरिजन जो हैं वो आपको मिल सकें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, मैं कैसे इसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इसके मैं आपको जो है साउंड क्वालिटी भी दिखाऊँगा, ठीक है, और उसके अलावा जो फ्रेम ड्रॉप्स हैं आपको वो भी दिखाऊँगा। और फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो मुझे इसके कलर्स ठीक ठाक लग रहे हैं आपके सामने हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ना सबसे पहले जायरो की दिखा देता हूँ कि आपको कैसी सपोर्ट मिलती है। जायरो को मैंने कर लिया ऑन। और रही बात अगर जायरो की मूवमेंट की, तो वो आपको कुछ ऐसी मिलती है, मुझे तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है जिस तरह मैं मूव करता हूँ, थोड़ा डिले में जाता है, लेकिन डायरेक्शन भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है। तो जायरो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसे जायरो के लिए कंसीडर करना चाहिए। हाँ, अगर आप हल्का फुल्का मतलब शौक के लिए करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि आपको जायरो के लिए ये वाला फ़ोन लेना चाहिए। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई कि जायरो के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले है, जो कि भाई मैं तो नहीं इस पर खेल सकता। मैं तो भाई वैसे भी जायरो पर नहीं खेलता, बिकॉज मैं जायरो का प्लेयर नहीं हूँ, और मैं वैसे भी कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं, बस रिव्यूज़ थोड़े बहुत कर लेता हूँ। और रही बात इसके अंदर फायर कनेक्टिविटी की, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो फायर कनेक्टिविटी है ना, वो इसकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर आपको जी सीरीज़ का प्रोसेसर मिलता है, मतलब गेमिंग प्रोसेसर मिल रहा है। सो ऑब्वियसली आपको इतनी परफॉर्मेंस तो है जो अच्छी मिलने वाली है। सो फिलहाल के लिए तो मुझे कोई इसके अंदर लैग शैग इतना नज़र नहीं आया, और आपको भी नहीं नज़र आया होगा। और इसके अंदर जो है आपको ग्राफिक्स इस तरह से भी थोड़े ठीक मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है भाई 1080p का रेजोल्यूशन। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर इसे अच्छा प्रोसेसर नहीं मिलता, आपको मिलेगा भी तो हीलियो G80 मिलता है, 85 आपको नहीं मिलता ब्रांड न्यू अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो। तो भाई अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आपको स्पीकर की क्वालिटी है, मतलब उसके अंदर वॉइस है, वो कैसी मिलती है। बाकी आपने लैग शैग तो देख लिया कि इसके अंदर आपको इतना कोई ज़्यादा मिलता नहीं है, और लेकिन मैं आपको इसके अंदर ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक बार ऑन करके दिखाता हूँ कि उसके अंदर आपको लैग शैग जो है कहीं मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन मेरा ख्याल है कि मिलना तो नहीं चाहिए, एक बार खैर हम चेक कर लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके। तो भाई हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, और आप देखते हैं कि हमें लैग की क्या सिचुएशन मिलती है, या कोई डिले वगैरह तो नहीं मिलता। और फिलहाल के लिए तो मूवमेंट मुझे ठीक लग रही है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि काफ़ी जो है रिस्पॉन्सिव मूवमेंट है इसके अंदर, और डिले शिले इतना नज़र नहीं आता। लेकिन देखते हैं कि जब रश होगा या हम रश करते हैं तब क्या सीन होता है। और ये देखा आपने,
यहाँ मुझे थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा लैग मिला, लेकिन फिर भी ठीक है यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसकी प्राइस सेगमेंट को। और खैर अल्ट्रा फ्रेम रेट्स हैं तो ऑब्वियसली मैं इतना ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस इस पर नहीं ले सकता, लेकिन जिस प्राइस के अंदर ये हमें फ़ोन मिलता है उसके अंदर ठीक है। लेकिन ऑल दो अगर आप विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसके अंदर गेमिंग करना चाहें तब आपको थोड़ी बेटर मिलेगी, अगर बात की जाए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ तो थोड़ी सी ना मतलब अंदर आपको कमी फील होगी और थोड़ा सा आपको डिले आएगा। बाकी आपने मुझे बताना है कि आपको इसका गेमिंग रिव्यू कैसा लगा। और भाई मैच तो हम गलती से जीत ही चुके हैं, सो ये थी बात भाई सारी TDM की। सो अब मैं खेलूंगा एक क्लासिक मैच जो कि लिविक खेलूंगा ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, और ट्राई करूंगा कि इस पर हॉट ड्रॉप करूं ताकि जल्दी से जल्दी यार मैच खत्म हो और आपको जो है इसका गेमिंग एक्सपीरियंस पता चल सके। सो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हम स्मूथ के साथ अल्ट्रा पे खेले थे और यही आपको मैक्सिमम अल्ट्रा FPS की ऑप्शन मिलती है, और ब्राइटनेस में थोड़ी कम कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक तरह से नज़र आए। और यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तब आपने वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर पहली बार हूँ तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इससे मतलब मोटिवेशन होती है हमारे लिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी टेक वीडियोस जो हैं या गेमिंग रिव्यूज़ या कंपैरिजन जो हैं वो आपके लिए बना सकें। और मैं आपको एक बार फिर से जो है जायरो दिखा देता हूँ कि आपको उसका डिले कैसा मिलता है। भाई मेरी तरफ से तो आप यही मानो कि आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का जायरो कोई यूज़ करना चाहेगा। मैंने इससे पहले भी कई फ़ोन का यूज़ किया लेकिन इस तरह का डिले नहीं मिलता। आप देख सकते कि मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ लेकिन वो टिल्ट की शेप में जा रहा था। खैर जायरो तो आप गोली मारो और हम मैच शुरू करते हैं। और अगर जहाज़ से नीचे मैप्स की बात की जाए, लैंड्स की बात की जाए, तो वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब जो मालिक है इसके अंदर GPU आपको मिलता है इस प्राइस रेंज के अंदर वो भी काफ़ी अच्छा वाला मिल रहा है। और ये आपके सामने कि हम लैंडिंग करने वाले हैं और ऑलमोस्ट जो पावर प्लांट की बिल्डिंग है वो क्लियर हो चुकी है। बाकी पावर प्लांट के अंदर बंदे शंदे काफ़ी उतर गए, और मैंने हॉट ड्रॉप भी इसीलिए किया था ताकि मैच जो है ज़्यादा लंबा ना हो। और फिलहाल के लिए तो मुझे गन भी नहीं मिल रही, लेकिन बंदों के फुटस्टेप्स काफ़ी आ रहे हैं। ऑल दो गन मिल गई है मुझे अब, और देखते हैं कि फायरिंग कहाँ से हो रही है। और भाई बाकी एक ही बंदा हमारे हथे चढ़ा था, लेकिन खैर है ये भी काफ़ी है अपने लिए, तो हम तो न्यू प्लेयर हैं यार, अक्सर लोग कमेंट्स में ऐसी चीज़ें बोल रहे होते हैं। सो ठीक है, और बाकी और भी फायरिंग शायरिंग हो रही है, देखते हैं। हाँ बोर्ड था लेकिन मार दिया है नंबर वन ने। और खैर मेरे ख्याल में तो इसका जो गेम प्ले है मुझे ठीक लगा इस प्राइस के अंदर, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिवाइस आपको इससे अच्छा गेम प्ले दे सके इस प्राइस के अंदर। अगर बात की जाए बॉक्स पैक डिवाइसेस की, मैं सेकेंड हैंड डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा। और अगर गेमिंग की बात की जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इससे अच्छा प्रोसेसर मिलने वाला है, बिकॉज़ बहुत सी जो कंपनियां हैं वो आपको 40,000 के अंदर भी स्नैपड्रैगन 662 दे रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए MediaTek Helio G85 की तो ये काफ़ी उससे बेहतर है गेमिंग के अंदर भी, और वैसे भी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो। और वैसे इस प्राइस के अंदर आपको एक और डिवाइस मिलती है टेक्नो कैमन 17, लेकिन पर्सनली मुझे इन्फिनिक्स नोट 10 का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छा लगा अगर बात की जाए टेक्नो कैमन 17 के अगेंस्ट। और टेक्नो कैमन 17 भी ठीक ठाक है, उसके अंदर भी आपको यही वाली परफॉर्मेंस मिलती है, लेकिन मैंने सिर्फ जो बिल्ड क्वालिटी थी उसके अगेंस्ट जो है इन्फिनिक्स को चूज़ किया है। और आपके इन दोनों में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगता है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भाई मुझे लग रहा है कि लड़ाई शड़ाई हो रही है, और नंबर 2 तो अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ जाके, हम भी मर जाते हैं यार टाइम से जल्दी मैच ख़त्म हो। आप लोग भी चाह रहे होंगे कि वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म करें ये। सो भाई मैं भी जा रहा हूँ शहीद होने, और मुझे उम्मीद बड़ी है कि मैं भी जो है शहीद हो जाऊँगा, और देखते हैं कि क्या सीन होता है। बाय द वे अब तक तो उसने रिवाइव दे भी दिया होगा, और खैर सिग्नल मिल गई, और बाकी ये रहा बंदा और मेरी फैमिली लोडिंग कर लगती, और मैं ये गया हूँ। चलो आज के लिए शायद इतना ही था सिग्नल। और बाय द वे आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, अगर आपको पसंद आई है तब आपने वीडियो को लाइक करना है, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बाकी आपकी मर्जी है कि आप वीडियो को लाइक भी करो या ना करो, या चैनल को सब्सक्राइब भी करो या ना करो। खैर, यही थी आज की सारी स्टोरी जो मैंने आपको दिखाई है, और इसके अंदर मैंने आपको ग्राफिक्स की ऑप्शन भी दिखाई है, डिले भी दिखाया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाई है। अगर तो आपको पसंद आई है तब आपने ज़रूर लाइक करना है। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।